इस वीडियो में हम सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ था आपका 12 और 13 नवंबर को, उसकी रिजल्ट के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और बार बार मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कि उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, UPSC नॉलेज ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सब की लेटेस्ट अपडेट UPSC नॉलेज ग्रुप पर आपके सामने लेके आते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मटेरियल फ्री में चाहिए, फॉर एग्जांपल घटना चक्र वगैरह या BPSC या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो भी हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं जो सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है। देखिएगा, ये बार बार इसका रिजल्ट बदला गया है। आपको पता है कि 286 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली थी और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 21 तारीख को निकली थी और 2 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट थी ऑफिशियल आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए। लेकिन उम्मीद ये थी कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आ जाएगा जब इसका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि वो ऑफिशियल कैलेंडर में दिया था। लेकिन फिर से BPSC ने कैलेंडर चेंज किया है, तब उसमें इसका जो रिज़ल्ट की डेट बताई थी 10 जनवरी बताई थी, और आज गाय 10 जनवरी है और कोई भी किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है कि ये आज रिज़ल्ट आ जाए। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन और लग सकते हैं इस रिज़ल्ट को आने में। तो फिलहाल की तारीख में मेरे पास यही अपडेट है इसके बारे में। और इसके जो रिज़ल्ट में देरी वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें और तो आगे कोई पेपर है वगैरह है नहीं, तो इसलिए BPSC इसको अच्छे से सोच समझ के आपके हित में क्लियर कट रिज़ल्ट देना चाहता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आए, ताकि रिजल्ट से देने से पहले ही आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि बाद में ऐसी दिक्कतें आती है कि ऑफिशियल आंसर की मेमर मार्क्स इतने बन रहे थे तो इतने मार्क्स कट ऑफ इतनी गई, तो वो सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कहें जो कट ऑफ है वो जा सकती है, वो जनरल कैटेगरी की जा सकती है 130 से 135 के बीच में, EWS की जा सकती है 125 से 130 के बीच में, और SC कैटेगरी की जा सकती है 105 से 110 के बीच में, और ST कैटेगरी की जा सकती है 95 से 100 के बीच में। तो ये गाइस मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। और जहाँ तक बात है इसकी रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा, ये बस 2-4 दिन, और वो भी आपके हित में हो रहा है, ये आप ध्यान रख लीजिए, आपके अहित में नहीं हो रहा। जब बस 2-4 दिन की लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ध्यान रखना है 286 पोस्ट पर यह भर्ती निकली थी और बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें, मतलब अच्छी पोस्ट है ये, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है इसके अंदर। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस।